हाँ जी, तो अपने वन वन ऑन टू, सॉरी ऑन टू इन टू कैटेगरी पढ़ ली थी, है ना। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज वन वन मैनी वन, कि फंक्शन वन वन मैनी वन कैसे डिसाइड करते हैं उस पर बात कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, तो कैसे डिसाइड होगा? तो बेसिक डेफिनेशन देख लें। इफ एनी एलिमेंट इन रेंज, कोडोमेन नहीं का रेंज का है, रेंज है ना, इन रेंज हैज मोर देन वन प्री इमेज, देन इट इज मैनी वन फंक्शन। इफ ऑल द एलिमेंट्स इन रेंज हैज ओनली वन प्री इमेज, इट इज वन वन फंक्शन। ठीक है, ये तो अपनी हो गई परिभाषाएं, है ना। आप तो वेन डायग्राम से समझे बहुत इजीली, यार ये होता है अपना डोमेन और ये अपना कोडोमेन। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करा यहां से यहां तक। तो जैसे मान लो ये 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 इस तरह से हम बातें करते ही हैं, कोई खास बात थोड़ी है। अब एक बात बताओ, इसकी कितनी दो प्री इमेज दो हो गई भाई, ए भी इसकी प्री इमेज हो गई और बी भी प्री इमेज हो गई वन की। तो ये मैंने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा हो गया जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है तो वो क्या हो जाएगा, मैनी टू वन, मैनी पीपल आर अटैच्ड टू वन, है ना। याद है ना, मैनी टू वन अलाउड है, इधर से एक से ज्यादा तीर निकलने अलाउड नहीं थे, बट उधर से मैनी, इधर से वन बंदा अलाउड है। सो दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि भैया जितने भी लोग रेंज में हैं सबकी एक ही प्री इमेज है, वो अलग बात है, किसी की कोई प्री इमेज है ही नहीं, वो तो इनटू ऑन टू डिसाइड करेगा वन वन मैनी वन के लिए। तो जो लोग भी रेंज के अंदर आ रहे हैं वो इधर से एक ही लोग से जुड़े हुए हैं, मतलब इधर से भी अब हम क्या चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, इधर से भी भाई कोई दो दो एरो से ना जुड़ा हो, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? यस सर। बस सिंपल सी बात है। चलो हाँ भाई, चलो एक छोटा सा डाउट पूछता हूं मैं कि यार ये वाला फंक्शन वन वन है या मैनी वन है? ये फंक्शन फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। चलो ठीक, मुझे लगा सुन रही है, चेक कर लूँ ना। ठीक है, अच्छी बात है, बस हो गया, यही है मन मन में है। ठीक है, नोट कर लिया तो चले। ओके, यस सर, यस सर। हाँ जी, तो मेथड्स टू चेक वन वन मैनी वन अगेन। अब देखो ये भी हमने क्या, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए या फैसिलिटी देने के लिए कुछ चीजों में क्लासिफाई करके आपको अलग अलग दो तीन चीजें बता देंगे, ताकि आप भी ये सिस्टमेटिकली चले, हाँ यार ऐसा नहीं तो ऐसा करके देख लिया ऐसा, क्योंकि कोई फिक्स तो है नहीं, कभी कोई क्वेश्चन एक मेथड से, कभी कोई दो तीन मेथड से भी पता किया जा सकता है वन वन है या मैनी वन है। तो सारी बातें हम नोट कर लेंगे। तो सबसे अच्छा तो हमें क्या लगता है, अगर हमें ग्राफ पता हो फिर तो जिंदगी बहुत आसान होती है ना। तो पहला टेस्ट तो हम ग्राफ से देख लेते हैं, मेथड वन ग्राफिकल अप्रोच। एक बात बताओ,
अगर फंक्शन ऐसा है, ठीक है, अगर फंक्शन सपोज ऐसा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करी, वो ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है, इसका मतलब एक इनपुट पे एक आउटपुट का एक ही इनपुट आ रहा है, यस सर। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन फंक्शन। यस लेकिन अगर ऐसा हो कि मान लो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर गई, तो ये वाला एक्स वन पे भी सेम वाई मिल रहा है और एक्स टू पे भी सेम वाई मिल रहा है, यस सर। तो दो दो अलग अलग इनपुट, मतलब एक्स वन पे भी वाई आ रहा है और एक्स टू पे भी वाई आ रहा है, इसका मतलब इस वाई की दो दो प्री इमेज होगी, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, मैन ही वन हो गया। तो आप तो सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखें, अगर आपको फंक्शन पता है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी एनी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इफ कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज मैनी वन। अगर एक सिंगल लाइन भी ऐसी मिल गई ना हॉरिजॉन्टल, जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर गई, तो वो क्या है, मैनी वन है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और एक ऐसी ही चीज मैंने आपको पहली बताई थी कि अगर कोई ग्राफिक को वर्टिकल लाइन दो जगह कट कर गई तो क्या होता है, वो फंक्शन नहीं फंक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि वहां एक ही इनपुट पे दो दो आउटपुट आ रहे होते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन में अलाउड नहीं है। ठीक है जी, चलो तो ये तो हो गया ग्राफिकल। अब इतने सारे क्वेश्चन हमने देखे, इतने ग्राफ देखे, तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आया, अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो तुम यार ग्राफ से देख के बता सकते हो कि वन वन है मैनी वन है, बाकी सारे चीजें तो भाड़ में गई, ये तो सबसे कन्वीनियंट है जो हमने पढ़ा अब तक। ठीक यस। है चलो, नोट कर लिया तो आगे चले। यस सर। मेथड टू, और बोर्ड के लिए यही मेथड काम आएगा, मतलब एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ, पहली बात तो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा या देख ले, फंक्शन कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग में दे ही नहीं रखा, और ये हमारी कैलकुलस का बेस है, और वहां इन्होंने मजाक बना रखा है एनसीईआरटी में इसका ना, तो वहां से तो मैं बात करना ही नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कुछ इक्का दुक्का जो क्वेश्चंस होंगे वन वन मैनी वन के, ज्यादातर वो जिस मेथड से किए जाएंगे ना, वो इस मेथड से किए जाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया कि बोर्ड बोर्ड में तो खासकर आपको क्वेश्चन इसी मेथड से करके दिखाना है, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नंबर मिले, और इन जनरल भी आपको अगर यूज करना है तो कर सकते हो, वरना इसके बिना भी हम ग्राफ से या और बाकी मेथड से हम बता देते हैं, एज सच कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बट एक मेथड तो है ही, टेक्निकली एक मेथड है। क्या मेथड है, हम क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं फंक्शन क्या है, मैनी वन है, पहले से ही मान लेते हैं। हम क्या कहते हैं, लेट फॉर डिस्टिंक्ट एक्स वन एंड एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, मतलब हम ये पहले से ही मानते हैं कि इसके दो इनपुट एक्स वन एक्स टू अलग अलग आएंगे, जिस पे इनकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू सेम आएगी। फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में वाई बराबर एफ एक्स तो दिया ही जाता है, क्वेश्चन में वाई बराबर एफ एक्स दिया जाएगा, आप एक्स की जगह एक्स वन रखोगे और एक्स की जगह एक्स टू रखोगे, दोनों इक्वेशन को बराबर ऐसे रखोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या होगा, लास्ट में कुछ यहां रिजल्ट आएगा कि फलाना फलाना बराबर जीरो। अब वहां पर अगर सिर्फ यही कंडीशन आती है कि एक्स वन बराबर एक्स टू, ओनली यही कंडीशन आती है, ओनली दिस कंडीशन, तब तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, वन वन है, क्योंकि हमने मान लिया दो दुनिया में अलग अलग एक्स वन एक्स टू है जिसके लिए फंक्शन एफ की वैल्यू सेम हो सकती है, फिर हमने मान के उसको सोल्व करके देखा तो अंत में पता चला कि ये तो तभी पॉसिबल है जब एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए, वन वन हो जाए।
फंक्शन क्या हो जाए, वन वन हो जाए। लेकिन सपोज या तो ऐसा पॉसिबिलिटी होगी केस वन, या होगा कि एक्स वन बराबर एक्स टू के साथ में कोई दूसरी कंडीशन आ गई, के साथ में कोई दूसरी कंडीशन भी पॉसिबल है, कोई दूसरी पॉसिबल कंडीशन आ गई जो पॉसिबल है, हो सकती है सच में, ठीक है ना, पॉसिबल कंडीशन है, तो हम क्या कहेंगे कि जरूरी नहीं है एक्स वन बराबर एक्स टू है तभी ये चीज ट्रू है, और भी कुछ करने पे एक्स वन बराबर एक्स टू हो सकता है, इट मींस फंक्शन मैनिवल है। बट ये जो कंडीशन आएगी वो फिजिबल होनी चाहिए, पता चले वो पॉसिबल ही ना हो फिर थोड़ी, पॉसिबल होना चाहिए, इसलिए तो क्या कहेंगे हम, फंक्शन क्या है, मैनिवल है। क्लियर है भाई? यस सर। बस इस पे एग्जांपल कर लेंगे, सपोज y इक्वल्स टू x माइनस वन अपॉन x माइनस टू आ गया, चेक फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। ठीक है, और मैं इस मेथड से इसको कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा अगेन बोर्ड मेथड से, लेट x1 x2 4x1 एंड x2 f of x1 बराबर f of x2, मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो x1 माइनस वन अपॉन x1 माइनस टू इक्वल्स टू x1 माइनस वन x2 माइनस वन अपॉन x2 माइनस टू, यही बताया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 माइनस वन x2 माइनस टू इक्वल्स टू x2 माइनस वन x1 माइनस टू, ओपन करोगे x1 x2 माइनस टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू आएगा, इधर से आएगा x1 x2 माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस टू आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यार x1 ने x2 उड़ा दिया, 2 उसने 2 की गर्दन काट दी, ये सबको एक तरफ ले आओ, तो 2x2 माइनस x2 प्लस x1 माइनस 2x1 बराबर जीरो, तो यहां से क्या आ गया x2 माइनस x1 बराबर जीरो, मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब x1 बराबर क्या होगा x2, तो आंसर क्या हो गया, वन वन हो गया। Yes. और एक बात बताओ, ये तो चलो बोर्ड मेथड था, हमें ये सब करने की जरूरत थी क्या, मैं तो इसको ग्राफ से ही कर सकता था, लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ याद है ना आपको? Yes, sir. बस तो खत्म, करना ही कुछ नहीं, मेथड टू ग्राफ से क्या कर दे भाई, डोमेन के अंदर x बराबर 2 नहीं आएगा तो 2 पे वर्टिकल लाइन, रेंज में इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 नहीं आएगा, इधर आएगा, अब ग्राफ या तो इन दो हिस्सों में आएगा या इन दो हिस्सों में आएगा, x बराबर 0 रखने पे वैल्यू हाफ आएगी लेकिन ये वैल्यू 1 है, अगर ग्राफ इन दो हिस्सों में, इन दो हिस्सों में आया तो वैल्यू हाफ नहीं आ सकती, तो ग्राफ इधर से जाएगा, इधर से ये वाला ग्राफ होगा, चाहे कोई भी हो, ओरिजेंटल कोई भी लाइन बनाओ ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है, कभी भी दो जगह कट नहीं कर सकती, तो ये क्या हो गया, वन वन हो गया। बोलो। यस सर। बस ये आ गया अगला, एक्स क्यूब माइनस एक्स, मान लो इसको इस मेथड से ही मैं करके दिखाता हूं आपको, है ना, तो अगेन वही लेट एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, तो अब क्या कहोगे, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू क्यूब माइनस एक्स टू, फिर यहां से आएगा एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टराइज करोगे एक्स वन माइनस एक्स टू इन टू एक्स टू एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू, फिर इधर से आया एक्स वन माइनस एक्स टू ब्रैकेट के अंदर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू माइनस वन। ठीक है जी, अब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, भैया जरूरी नहीं है ना सिर्फ यही कंडीशन हो, ये भी पॉसिबल है ना, अब इसको देख लो ये पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये भी पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो गया, मैनी वन हो गया, क्या हो गया, मैनी। ठीक है, ये तो मैंने आपको इस मेथड से करके बताया, वरना इसको तो हम ग्राफ से ही कर सकते थे, क्यूबिक वाला हम वेवी कर्व से ही ग्राफ बना देंगे, x x माइनस वन x प्लस वन, तो हमें सीधा ही पता है जीरो वन माइनस वन, तो ऐसे जाएगा ग्राफ। तो ये क्या ओरिजेंटल लाइन काट गई, मैं नहीं बने। हाँ जी बोलो। यस सर। ठीक है, मान लो बेटा ये जो कंडीशन आई है, ये सिर्फ यही कंडीशन आती x1 square plus x2 square plus x1 x2, तो कुछ बच्चे बस यूं ही बिना सोचे समझे बोलते थे कि सर या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है, मतलब मैन ही वन है, बट ये थोड़ी पॉसिबल होता है कभी। अब ध्यान दो, इसका कभी रूट नहीं आ सकता, कैसे, ये आपको बेसिक में सिखाया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर जीरो तभी होता है जब ए बराबर बी बराबर जीरो हो जाए, इसके अलावा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं होता। ये मैं काम की बातें बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो ट्वेल्थ में नए आए हैं या जो बेसिक नहीं जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर जीरो तभी होता है जब ए और बी जीरो होता है, क्योंकि सपोज इफ बी जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक बना लोगे, ए बाय बी का स्क्वायर प्लस ए बाय बी प्लस वन बराबर जीरो, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, इसका डिस्क्रिमिनेट लेस देन जीरो है, तो यहां से कोई रूट नहीं आएगा। तो अगर बी जीरो नहीं है तो बी से डिवाइड कर सकते हैं तो कोई रूट नहीं आएगा, ए जीरो नहीं है तो ए से डिवाइड कर सकते हैं तो भी कोई रूट नहीं आएगा, तो इसके अलावा सिर्फ ए की रूट होगा ए बी जी जीरो। तो सिर्फ ऐसा नहीं है, बस इक्वेशन आ गई, जो आई उसको ये भी देखना है वो पॉसिबल है भी या नहीं, इस केस में ये पॉसिबल नहीं होती, ये आपको दी एक्स्ट्रा ज्ञान की बात। सही है? यस सर। तो ये दो मेथड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड, मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड मतलब वेन डायग्राम वाला, यूजिंग वेन डायग्राम। बट ये अगर डोमेन आर है या कोई कंटिन्यूस इंटरवल है तो कोई फायदा नहीं है इसको लगाने का, इसका फायदा तब है, नोट करके, यूजफुल व्हेन इंटरवल्स आर डिस्क्रीट। इंटरवल्स आर डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सेट दे रखे हैं डोमेन और कोडोमेन में, जैसे मान लो मैंने कहा इंटीजर से इंटीजर, नेचुरल से नेचुरल, इंटीजर से नेचुरल, इस तरह की जब बातें होती है ना, या चार ही एलिमेंट है 1 2 3 4, सिंगल सिंगल एलिमेंट हम देख सकते हैं, तो ही ये मेथड काम का है, अदरवाइज फिर कोई जरा कोई खाम मजा आएगा नहीं इसमें, क्योंकि हर एलिमेंट को आप ऐसे लिख नहीं सकते वेन डायग्राम में, तो कैसे जज करोगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन लिखें, सपोज fx, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू i सच दैट fx इक्वल्स टू n माइनस 1 बाय 2, अगर n ओड है, n माइनस n बाय 2 अगर n इवन है। अगर ऐसा कुछ आ गया तो बताओ ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, मैन इवन है, तो अब इसमें वैल्यूज रख रख के देख सकते हो, क्योंकि डोमेन में डिस्क्रीट पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4 5 लगातार इंटरवल नहीं है ना, तो ऐसे केस में हम थोड़ा ऐसा आइडिया भी ले सकते हैं कि देखो डोमेन में 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर चलेंगे, और ये आपका इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर तो नेगेटिव भी होता है, -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से ये आपका कोडोमेन है, ये आपका डोमेन है, यहाँ से यहाँ आपने फंक्शन डिफाइन करा। अब आप थोड़ा सा मैपिंग, इसी को मैपिंग बोल रहे हैं वेन डायग्राम, आप आइडिया ले सकते हो कि एन ओड है, ओड मतलब अगर 1 यहाँ रखा तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी 0, फिर एन इवन है तो 2 यहां रखा 2 बाय 2 कितना आ गया -1, फिर 3 यहां रखा 3 माइनस 1 2 बाय 2 कितना आ गया 1 आ गया, फिर 4 यहां रखा 4 बाय 2 -2 4 पे कितना आ गया -2 आ गया,
फिर 5 रखा तो 5 पे 2 आ गया, फिर 6 रखा तो 6 पे आपका -3 आ गया। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि 1 पे 0 आया, फिर 2 पे -1 आ गया, 3 पे 1 आ गया, 4 पे -2 आ गया, 5 पे 2 आ गया, मतलब एक अगला एक पिछला, एक अगला एक पिछला, एक अगला एक पिछला कवर होते ही जा रहा है। और सिंगल एलिमेंट रखने पे सिंगल ही आउटपुट आ रहा है ना, कभी ऐसा होगा एक रखने पे दूसरा रिपीट हो रहा है कि उधर से भी जीरो आ गया इधर से भी आ गया। आप ऐसे सोचो ना, अगर n ओड है तो n माइनस वन क्या होगा, इवन होगा, और अगर n इवन है तो n बाय टू क्या हो गया, वो इवन या ओड कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने ऐसे वैल्यूज पुट कर करके देख लिया और पता चला कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, वन वन है। हाँ जी बोलो। यस सर। अब आप ऐसे सोचो, अगर मैं पूछूं ऑन टू है या इन टू है, तो क्या सारी रेंज कवर हो जाएगी एक ओडोमेन वाली? Yes. तो ये ऑन टू भी है, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। मान लो एक फंक्शन दिया, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बताओ जेड मतलब -2 -1 0 1 2 ऐसे, और इधर भी जेड मतलब -2 -1 0 1 2 ऐसे। तो भाई जीरो रखा, जीरो माइनस जीरो, जीरो पे वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। वन रखा, वन माइनस वन, वन पे वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो जीरो और वन दोनों पे वैल्यू जीरो आ गई। yes. तो मैनी वन हो गया, बस मैनी वन हो गया। ऑन टू इन टू के लिए चेक करोगे, मान लो टू रखा तो 4 -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। फिर -1 रखा तो -1 पे वैल्यू आएगी 2। फिर मान लो 3 रखा, 3 पे वैल्यू आएगी 9 -3 6। ऐसे ही फिर -2 रखा तो 4 + 2 कितनी आएगी, 6। अब एक बात बताओ, बीच में 4 और 5 नहीं आया, तो आप चेक कर लो ना, मान लो लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4 चेक करा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4 से -4 = 0 से यहां से कोई भी जो एक्स आएगा -±b² 1 - 16 क्या ये इंटीजर आएगा क्या? मतलब इसमें कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रखने पे कभी भी 4 नहीं आ सकता, तो 4 नहीं आ सकता। और मैंने कल बताया था, हमने अगर शिकारी मेथड से ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि एक सिंगल एलिमेंट रेंज में नहीं है, क्योंकि 4 इसकी रेंज में नहीं है बट कोडोमेन जेड है, तो फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया, इनटू। यस सर, बस यही सब है। ठीक है ना, तो वही जो शुरू का हमने बेस बनाया ना, एटलीस्ट एट लास्ट काम वही आएगा आपके सारी जगह, बाकी तो नई चीज पढ़ोगे और उसका एप्लीकेशन करोगे। हाँ जी, रेंज बड़ी आ गई सर। क्या कह रहे हो सर, इसमें सर रेंज कोडोमेन से बड़ी आ गई, पागल हो गया, बड़ी कैसे आएगी? मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि इसमें मैं कुछ वैल्यू रखूं और वो इंटीजर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? भैया इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होता है, इंटीजर के स्क्वायर में से इंटीजर में से इंटीजर घटाओ तो भी इंटीजर आएगा, तो आंसर आएगा तो इंटीजर में से ही ना, वो अलग बात है सारे इंटीजर नहीं आ रहे, इसलिए इनटू फंक्शन है, नॉट फंक्शन कहां से हो जाएगा? तुम मेरे को एक एलिमेंट बता दे जो इसकी रेंज में आ रहा है, जो इसके कोडोमेन में नहीं है, फिर तो मैं कह दूंगा रेंज बड़ी आ रही है सर कोडोमेन से। नेक्स्ट, एफ एक्स एंड जी एक्स आर
defined from R to R, domain VR, codomain VR, such that fx दे रखा है आपको 0 when x belongs to rational और does not belongs to rational पे value x दे रखी है, gx आपको दे रखा है x when x belongs to rational और 0 when x does not belongs to irrational, है ना? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान लगाना इस पे। आपसे पूछा है find या फंक्शन डिफाइन करा एफ माइनस जी एक्स फंक्शन इज, चार ऑप्शन हुई, वन वन मैनी वन, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, क्या होगा इसका आंसर? पहली बात तो मैं बता दूं, आपने ऐसे फंक्शन पहली बार देखे हैं तो ऐसे फंक्शंस का आविष्कार किया था ड्रिचलेट ने, ड्रिचलेट है ना, ड्रिचलेट फंक्शंस कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस करके थे, उसके बाद दुनिया में लोगों ने बहुत सारे ऐसे फंक्शन बनाने शुरू कर दिए। इन फंक्शंस की खासियत क्या थी? इन फंक्शन की खासियत ये थी कि इनको डिफाइन बड़े जबरदस्त तरीके से किया, जो मतलब गरीब आदमी की तो सर से निकल जाए कि रैशनल पे ये वैल्यू है, इरेशनल पे ये वैल्यू है। आप समझ रहे हो, मतलब अगर मैं जीरो से लेके वन की तरफ जाता हूं, जीरो से वन की तरफ, तो रास्ते में कितने ही रैशनल नंबर आएंगे, कितने ही इरेशनल नंबर आएंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट आएंगे। तो अब ये समझ लो, एक बार मेरा पैर इरेशनल पे पड़ रहा है, एक बार इरेशनल पे पड़ रहा है, एक बार रैशनल पे, कभी इरेशनल पे, तो कभी डेफिनेशन ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएंगे। हम ऐसे फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, बात समझ में आ रही है? ऐसे फंक्शन का आप ग्राफ नहीं बना सकते। क्यों? आप सोचोगे मैं वन पे खड़ा हूं, वन एक रैशनल नंबर है, तो चलो रैशनल पे वैल्यू वन जीरो हो गई, लेकिन वन के इधर और इधर इरेशनल भी होंगे, रैशनल भी होंगे, तो आंसर जीरो दोगे या वन दोगे, क्या दोगे? तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते। yes, बात समझ में आ गई? बड़े खतरनाक से फंक्शन होते हैं, बट क्वेश्चन अपन इस पे बनाते हैं और आराम से इसको हम देखेंगे, बड़ी कॉमन सेंस से, है ना? कॉमन सेंस थोड़ी इसमें ज्यादा, दिमाग थोड़ा अच्छे तरीके से इसमें लगाना पड़ता है, ऐसे मोटे दिमाग लगा के आंसर नहीं आएगा इसमें। तो ये तो सिंपल है हालांकि क्वेश्चन, जैसे ये देखा f माइनस जी एक्स, एफ माइनस जी तो आपको डिफाइन करना सिखाया था ना मैंने, कि f माइनस जी एक्स फंक्शन क्या होता है, f में से g घटा दो, तो f में से g घटा दो, तो रैशनल में रैशनल घटा दो, इरेशनल वाली डेफिनेशन में इरेशनल घटा दो, तो जब x रैशनल होगा तो f क्या है, जीरो, माइनस g क्या है, x, और जब x इरेशनल होगा, जब मैं इरेशनल वाले पत्थरों पे होऊंगा, तो उस टाइम पे f माइनस g, f क्या है, x, माइनस g क्या है, जीरो। तो अल्टीमेटली आपका फंक्शन आ गया माइनस x व्हेन x रैशनल है और x व्हेन x इरेशनल है। अब मैं इसका चाहे भले ही फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकता, बट फिर भी आपको बताना है वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू, है ना? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहां मैपिंग मेथड ही काम होगा। आप सोचो ग्राफ बना नहीं सकते, तो अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस दौड़ाएं। मान लो ये एक रियल नंबर है, क्योंकि रियल के अंदर रैशनल और इरेशनल तो आएंगे ही ना, हालांकि ये डिस्क्रीट सेट नहीं है, मैंने कहा था डिस्क्रीट में ही काम आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में भी थोड़ा कॉमन सेंस ऐसे ही सोचना पड़ेगा हमें कि इधर भी रैशनल है। ये मान लो, ठीक है, ये फंक्शन को मैं ऊपर लिख देता हूं, ये आ गया आपका माइनस एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल एंड एक्स व्हेन एक्स इज इरेशनल। ये रियल से रियल आपने फंक्शन डिफाइन करा, कौन सा, एफ माइनस जी एक्स। अब आप थोड़ा सा ये सोचो, अगर मेरा नंबर रैशनल है, रैशनल, तो आंसर क्या आएगा, उसका नेगेटिव आएगा माइनस रैशनल। मान लो मैंने हाफ रखा तो आंसर क्या आएगा, माइनस हाफ, और अगर मैंने माइनस हाफ रखा तो आंसर क्या आएगा, हाफ। मान लो मैंने दो रखा तो आंसर क्या आएगा, माइनस दो, क्योंकि दो पे ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, और माइनस दो रखा तो आंसर क्या आएगा, दो। तो आपको ये समझ में आ रहा है, अगर इनपुट पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो आउटपुट
नेगेटिव रैशनल नंबर है और इनपुट नेगेटिव रैशनल है तो आउटपुट पॉजिटिव रैशनल है। क्या ये बात क्लियर है? अब तो ये मानो रियल के अंदर रैशनल रैशनल मैंने एक तरफ कर लिए और ये इरेशनल इरेशनल एक तरफ कर लिए। अब आप ये सोचो अगर आंसर रूट थ्री है तो रूट थ्री पे वैल्यू क्या आएगी? इरेशनल पे रूट थ्री ही आएगी और माइनस रूट थ्री रखूंगा तो आंसर माइनस रूट थ्री ही आएगी। पाई रखूंगा तो आंसर पाई आएगा, माइनस पाई रखूंगा तो आंसर माइनस पाई आएगा। तो अगर पॉजिटिव इरेशनल है तो आंसर पॉजिटिव इरेशनल ही आ रहा है और नेगेटिव इरेशनल है तो आंसर नेगेटिव इरेशनल भी आ रहा है और सबसे बड़ी बात जीरो है तो जीरो के आगे आंसर जीरो आ रहा है। तो एक बात बताओ सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कवर हो रहे हैं रेंज में? Yes, तो ये फंक्शन क्या हुआ? ऑन टू और वन वन तो है ही, एक रखने पे एक आ रहा है। देखो यहां से पॉजिटिव रैशनल इनपुट रखोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव में कॉमन तो कभी आ ही नहीं सकता कि दो आउटपुट सेम हो और इनपुट अलग अलग हो। और ऐसे ही इधर के आउटपुट इरेशनल है, इधर के आउटपुट रैशनल है, तो ये दो आउटपुट तो सेम वैसे ही नहीं हो सकते, तो ऐसे दो इनपुट हो ही नहीं सकते जिसपे आउटपुट सेम आए। तो ये क्या वन वन एंड ऑन टू, ये आंसर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ जी खोपड़ी चली थोड़ी सी? यस सर। यस चलो अच्छी बात है। यस सर। हाँ भाई पीके जी क्या हो गया, आलस के डाले हो? चले आगे। यस सर। नेक्स्ट इज मेथड फोर, डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, अब इसमें भी वही बात, कुछ कुछ ऐसी बातें आएंगी जिनमें कंटिन्यूटी और वो सब देखा जाएगा, तो बाद में डिटेलिंग में पढ़ने के बाद तो सब समझ में आ ही जाएगा। अभी बस हमें पता होना चाहिए वो कब सही है और कब गलत है, ताकि हम कोई गलत क्वेश्चन को सही ना, मतलब हम कोई क्वेश्चन गलत तरीके से ना कर दें, पता चले उसमें ये मेथड ना लग रहा हो और हम जबरदस्ती लगा दें, ऐसा ना हो। इसलिए मैं पता हो कि इसलिए मैं आपको बस वो ज्ञान दूंगा थोड़ा बहुत, बाकी बहुत अच्छे से तो कंटिन्यूटी वगैरह करने के बाद ही आएगा। कम से कम ये तो पता रहेगा ना ये मेथड कब लगना और कब नहीं। दूसरी बात, अब के लिए जो क्वेश्चन आएंगे वो आप ये मान के चलना कि हाँ ये तो मतलब ये मेरे उस लेवल पे है कि ये कंटेनर डिफरेंशिएबल मैं मान के चलूंगा ताकि मेरा गलत ना। ठीक है ना, तो कुछ थ्योरी डिस्कस करनी है इसमें मेरे को, जो इन जनरल कैलकुलस में आपके काम भी आएगी, ग्राफ से रिलेटेड ही बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, ध्यान से सुने। अगर मान लो फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है, इफ फंक्शन क्या है कंटीन्यूअस है, देन एफ एक्स, देन फोर एफ एक्स टू बी वन वन, टू बी वन वन इट हैज टू बी आइदर इंक्रीजिंग फंक्शन और आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। भाई एक बात बताओ, अगर फंक्शन ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ऊपर की ऊपर, आपको पता ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, और क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है तो क्या ये वन वन है? yes. भैया ग्राफ से दिख रहा है ये फंक्शन वन वन है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस है और लगातार घटता ही जा रहा है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो भी ये वन वन है। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ ग्राफ को, एक ही जगह कट करेगी? यस सर। डिक्रीजिंग एंड कंटीन्यूअस है लेकिन ये वन वन है। तो मैंने क्या कहा, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है और उसको वन वन होना है
तो पक्की बात है या तो वो इंक्रीजिंग होगा सिर्फ या डिक्रीजिंग होगा, दोनों नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ फंक्शन अगर ऐसे हुए कि वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, कंटिन्यूस है बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ है, तो क्या ये फंक्शन वन वन हुआ? ये तो मैनी वन हो गया। भैया आप ऐसे सोचो ना कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और वो इंक्रीज कर रहा था, अब उसको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होना है तो उसको मुड़ना पड़ेगा। और जैसे ही वो मुड़ेगा यहां से उसको मैनीवन बना देगा। ऐसे अगर वो सिर्फ डिक्रीजिंग था और वो इंक्रीजिंग होना चाहता है तो उसको मुड़ना पड़ेगा, मुड़ेगा तो वो उसको मैनीवन बना देगा। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और सिर्फ इंक्रीजिंग है तो वो वन वन है, या सिर्फ डिक्रीजिंग है तो भी वो वन वन है। तो यही हमने कहा, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और उसको वन वन होना है तो उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही होना पड़ेगा, वो दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कंटिन्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में तो वो मैनी वन ही होके रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये बात कंटिन्यूस के लिए ही जरूरी है, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हुआ ना तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको वन वन होना है तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही हो। आप सोचो डिसकंटिन्यूस ग्राफ में तो ऐसा भी हो सकता है कि ये यहां से जंप मार के ऊपर चला गया और ऊपर से फिर इधर आ गया। तो एक बात बताओ, यहां पे तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग था और यहां पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? हां जी, ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है नो और ना ही डिक्रीजिंग है, लेकिन ये फिर भी वन वन है या नहीं है? सर। बट स्टिल वन वन। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि बढ़ते 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 अगर उसको घटना था तो वो जंप करके घटना शुरू कर गया तो हो सकता है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस हुआ और अगर बढ़ते 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 उसको घटना है तो वो जंप तो मार नहीं सकता, तो उसको मुड़ना पड़ेगा, तो वो मैनी वन होके ही रहेगा। ठीक है जी। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो उसको वन वन होने के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि वो पक्की बात है या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। हो सकता है वो हो भी जाए और हो सकता है वो ना भी हो, जैसा इस केस में है कि ना तो वो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है बट वन वन है। ठीक है, हो सकता है वन वन हो भी जाए, मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग हो भी जाए, कोई रूल नहीं है। लेकिन जो काम की बात हमने समझी वो क्या, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो अगर उसको वन वन होना है तो पक्की बात है या तो इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्ट या डिक्रीजिंग होगा, दोनों चीजें एक टाइम पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुड़ेगा और उसको वन वन बना देगा, क्योंकि वो जंप मार नहीं सकता क्योंकि वो कंटिन्यूस है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है तो कोई बात नहीं कर रहे हम, ये रूल ही फेल हो जाएगा, तब तो इस मेथड से क्वेश्चन ही नहीं होगा, तब तो हम ग्राफ या कुछ और चीजें देखेंगे। अगर कंटिन्यूस है तो अगर उसको वन वन होना है तो हम क्या कहेंगे कि इसको हमेशा या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग होना चाहिए। और एक बात हमने आपको पिछले उसमें बताई थी, रेंज के मेथड में मैंने आपको बता दी थी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा होता है तो वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो वो हमेशा डिक्रीजिंग होता है। याद है? तो बस इन दोनों बातों का मिक्स करके हमने एक रूल बना लिया। क्या रूल बना लिया? कि इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश एक्स क्या आ गया, 0 या 0 से बड़ा आ गया। अब देखो एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो मतलब वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका मतलब वो क्या है, वन वन है। और अगर फंक्शन हमेशा एफ डैश एक्स उसका 0 या 0 से छोटा आता है इसका मतलब वो डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और तो भी इसका मतलब क्या है, वो वन वन है। और आधे केस में वो पॉजिटिव आधे केस में नेगेटिव, इसका मतलब ना वो इंक्रीजिंग है ना वो डिक्रीजिंग है, इसका मतलब वो मैनी वन है। क्या बात समझ में आ गई? सम टाइम एफ डैश एक्स पॉजिटिव एंड सम टाइम नेगेटिव, इट मींस फंक्शन इज मैनी वन। लेकिन ये सारी कहानी रची किसके लिए हमने, जब वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है
तो गलती पता है आप किस जगह हो सकती है आपसे, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है नहीं और आपने मुंह फाड़ के ये डिफरेंशिएशन लगा दिया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो इसका मतलब क्या सर, अभी कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए, तो लॉजिक तो यही है। तो जब वो आ जाएगी तो उसके बाद तो आप हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन लगाने से पहले वो चेक करोगे ही करोगे, क्योंकि अगर वो बिना चेक किए आपने लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करें, अभी के लिए या तो हम ये मान के चले कि हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा वो कंटिन्यू डिफरेंशिएबली आएगा और मुंह फाड़ के हमने डिफरेंशिएशन लगा दिया और आपका आंसर आ गया, बट अगर आपका आंसर गलत आता है तो आप समझ जाएं कि वो कंटिन्यू डिफरेंशिएबल नहीं है, तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी का आइडिया हमें ले लेना चाहिए। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो भी नहीं आएंगे आपके सामने बिकॉज आपने कंटिन्यूटी पढ़ा नहीं है, बट मामूली से जो की पॉइंट्स मैंने आपको रेंज में ही बता दिए थे आप उनकी हेल्प से देख सकते हो ना ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो कम से कम ये तो हम पता कर लेंगे ना कि यार इस मेथड से क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बस कंटिन्यूस अगर है और फिर अगर एफडीएचएक्स हमेशा पॉजिटिव है मतलब वन वन है, हमेशा नेगेटिव है मतलब वन वन है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है मतलब मैनी वन है, बट द होल थिंग इज वैलिड फॉर इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ये चीजें भूलते नहीं है, बस ये ध्यान रखा। ठीक है जी, चलो जैसे मान लो आपके सामने एग्जाम्पल आया वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9, ऐसी कोई क्यूबिक आ गई। ठीक है जी, और आपसे पूछा है फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, तो देखो एक बात बताओ, अभी तक जो आपने मेथड पढ़े हैं अगर आप दूसरा मेथड लगाने लगे बोर्ड वाला फिर तो आपकी मौत को दावत देने वाली बात है, x³ = x²³ x²² ऐसे तो नहीं होगा, तो उसको तो भूल ही जाओ। पहला मेथड क्या था, बेस्ट मेथड क्या था, ग्राफ, ग्राफ क्यूबिक का आपका तभी बना सकते हो जब आप उसको फैक्टराइज कर लो, बताया था ना मैंने, अभी के लिए तो हमें इतनी नॉलेज ही आती है कि वेवी कर्व से बना सकते हैं, अगर उसके फैक्टर हो जाए तो हमसे इसके फैक्टर होंगे नहीं, हम तुक्का मारेंगे 1 2 3 -1 -2 नहीं होगा, तो फिर हम वो मेथड्स भी गिव अप कर देंगे, यार उससे भी हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता। फिर हम क्या सोचेंगे, मेथड थ्री क्या था बे, मैपिंग, बट वो तो मतलब ही नहीं है, इसका तो डोमेन ही आ रहा है, इसका तो डोमेन ही आ रहा है, मतलब जब आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा कि मैपिंग नहीं काम आ रहा, ग्राफ आपको नहीं पता और वो x1 x2 वाले मेथड से भी नहीं हो रहा, इट मीन्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब बस डिफरेंशिएशन से पहले आपको ये चेक करना पड़ता है वो कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो अभी के लिए तो मान लो मैं कह रहा हूं, या दूसरी मैंने आपको एक चीज बताई है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होते हैं, तो आपको वो याद है तो आपको कॉन्फिडेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ मैंने की पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है ना, तो हम ये मेथड लगा सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ गया, 3x² प्लस 10x प्लस 7 आ गया, सही है, बोलो। यस सर, ठीक यस सर, ठीक। तो इसका डी क्या आया, डी ये क्वाड्रेटिक है, इसका डी निकाला, B² - 4 A C, 4 3 12 7 84, तो 100 - 84 डी कितना आ गया, 16 आ गया, डी कितना आ गया, 16 आ गया। तो हमने देखा कि अच्छा इसके रूट्स क्या आएंगे, x - -10 प्लस माइनस 16 का रूट अपॉन 6, तो -10 प्लस -4/6, तो -14/6 और -6/6, तो -7/3 और -1, ये रूट्स आ गए इसके। तो अब आप इसकी साइन स्कीम देखेंगे किसकी, वाई डैश की, एक रूट है -7/3 और एक रूट है -1, इस रूट के इधर कोई वैल्यू रखोगे पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, मतलब आपको ग्राफ का आइडिया लग गया कि ग्राफ पहले तो यहां से यहां इंक्रीज करेगा, -7/3 तक इंक्रीज करेगा, फिर ग्राफ डिक्रीज करेगा और फिर ग्राफ इंक्रीज करेगा, तो बस एफ डैश एक्स हमेशा एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ग्राफ कैसा है, मैनी वन। हाँ जी, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, मैनी वन।
ठीक है, अब मान लो आपने कहा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x+7 ये है, इसके भी मान लो रूट शूट हमसे नहीं निकल रहे, फिर वो बाकी सारे मेथड फेल हो गए, तो हमने कहा x belongs to R तो है ही, चलो डेरिवेटिव निकाला, y dash निकाला क्योंकि कंटीन्यूअस डिफरेंशियल है, 3x² plus 2x+5, इस क्वाड्रेटिक का d क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है? यस सर, d लेस देन 0 है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x belongs to R। Yes, sir. तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है और वो फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो ऐसे डायरेक्ट इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वो क्या है, वन वन है। हाँ जी, बातें समझ में आ रही हैं मेरी, कनेक्ट हो रही है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. मैंने ये कहा कोई फंक्शन हमने डिफरेंशिएट करा, अगर उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो से बड़ा आया या हमेशा जीरो से छोटा आया जिस रेंज में हम देख रहे हैं तो वो वन वन है, अदरवाइज वो मैनी वन है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा और मैनी वन के केस में वो दोनों चीजें ले रहा होगा। बट ये चीजें वैलिड कब है? कंटीन्यू डिफरेंशियबल के केस में। अच्छा, तो हमें कंटीन्यू डिफरेंशियबल चेक करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, अभी नहीं आती तो अभी छोड़ सकते हैं, आगे जाके तो करनी पड़ेगी। तो सर अभी क्वेश्चन आए तो क्या करें? अभी क्वेश्चन आए पहली बात तो छोड़ दो, है ना, इसे बाद में करेंगे। दूसरा, ऐसा नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, हमें पूरी कंटीन्यू डिफरेंशियबिलिटी तो आती नहीं, तो हम थोड़ा बहुत तो ये मान लें कि यार क्वेश्चन यही आएगा जो कंटीन्यूअस डिफरेंशियबल हो, बट जरूरी तो नहीं है, कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा भी आ सकता है कंटीन्यूअस डिफरेंशियबल ना हो, वो किसी और मेथड से बताया जा सकता हो, बट आप इस मेथड से लगा के उसका आंसर गलत दे दें तो कम से कम मैंने कहा इतना बता होना चाहिए, हम कंटीन्यूअस का थोड़ा बहुत आइडिया लगा के जो भी की पॉइंट्स आपको बताए हैं उससे ये चेक कर पाए कि फंक्शन ये कंटीन्यूअस है या नहीं है, अगर है फिर हम डिफरेंशिएशन मेथड लगाएं और अपना जजमेंट लें, अगर नहीं है तो हम डिफरेंशिएशन मेथड लगा के आंसर गलत ना दें, बस इतनी सी बात है। तो थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी की बातें हमने दो तीन जगह कर ली, वो ही ध्यान रखें, उसी से अपना काम अभी के लिए तो चल जाएगा, बाकी डिटेलिंग में पढ़ने के बाद चैप्टर फिर हम चीजें कर लेंगे। और अगर किसी को लगे कि अभी सर मुझे तो परेशानी आ रही है इसमें, मेरे समझ नहीं आ रहा, तो भैया ये वाला आप तो ये याद रखो, आप अभी के लिए ये मानो जो क्वेश्चन आपके सामने आए कंटिन्यू डिफरेंशियल मान के मुंह फाड़ के कर दो, और क्या इलाज है, बाकी जब कंटिन्यूटी पढ़ लोगे उसके बाद तो वो चीजें कर ही लोगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूं, कि जिस बच्चे को ये कंटिन्यूटी का बिल्कुल आइडिया नहीं है वो क्या करेगा, मान लो मैंने पूछा वाई बराबर टेन एक्स बताओ क्या है, वन वन है या मैनी वन है, तो वो बच्चे क्या था, क्या गलती करेगा, वो कहेगा सर ने डिफरेंशिएशन मेथड सिखाया था बहुत आसान है, डिफरेंशिएट कर दिया टेन का सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया, सेक्स स्क्वायर एक्स तो हमेशा ही जीरो है, जीरो से बड़ा होता है, अच्छा सर ने कहा था डेरिवेटिव अगर हमेशा जीरो है जीरो से बड़ा है मतलब वो फंक्शन क्या है, वन वन है। लेकिन यहां आप गच्चा खा गए फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन आप इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस नहीं है, इसलिए मैंने बताया आपको ये पता होना चाहिए कि कब वो लगेगा कब नहीं लगेगा। तो कंटिन्यूटी जिसकी मुझे डायरेक्ट पता है या जिसकी डायरेक्ट पता है कि ये नहीं है उसमें तो मैं कम से कम कर सकता हूं, वो अलग बात है कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें मैं कंटिन्यूटी बिल्कुल ही नहीं बता सकता तो मोस्ट प्रोबेबली तो वो क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा नहीं, आ गया तो फिर उसको डील करना हम बाद में सीख लेंगे। तो इसमें तो आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूस है ही नहीं आपको पता है, तो आप इससे लगाओगे तो आपका आंसर गलत आ रहा है, और आप ग्राफ से देख सकते हो इजीली कि टेन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो टेन एक्स का ग्राफ ऐसा है तो बताओ भाई मैनी वन है या वन वन है, ये लो मैनी वन है, और तुम कह दोगे ये तो वन वन है कि सर आपने तो बताया था, है ना। तो इसलिए तो गरीब जनता जनरली यही जानती है मार्केट में बस डेरिवेटिव निकालना, वो ये उनको ये चीज बाद में बताई जाती है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसलिए बता के चल रहा हूं ताकि हम गलत चीज तो ना सीखें, कहीं गलत आई तो हमें पता हो कि हाँ हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है, ठीक है ना, बस इसलिए। क्लियर है? यस सर। तो बस ये चार मेथड हो गए अपने, क्या रेंज देखने के, इस पे कुछ क्वेश्चन वन वन मैनी वन देखने के, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये नोट कर लिए तो मिटा दे। यस सर। वन वन मैनी वन बताना है आपको, यस सर।
देखो इनमें से किसी का आप ग्राफ नहीं जानते, मेथड वन फेल हो गया। हाँ ठीक है, दूसरी बात अगर आप हिट एंड ट्रायल से ही कोई ऐसी चीज पहचान लो जो कोडोमेन में है और रेंज में नहीं है तो आप बता सकते हो कि हाँ ये वन वन मैनी वन है। अगर हिट एंड ट्रायल हमारे दिमाग में नहीं है, सॉरी वो तो वन टू इन टू होता है ना, मैं भी कहाँ चला गया ना, डाइवर्ट हो गया मैं, है ना, सॉरी सॉरी उसको ना वापस लेता हूँ अपने वर्ड्स। हाँ हिट एंड ट्रायल से ये पहचान लिया आपने कि यार ये रखने पे भी इसकी वैल्यू सेम आ रही है, और मान लो वन रखने पे भी जीरो आ रहा है, दो रखने पे भी जीरो आ रहा है, आपने ऐसा कुछ तुक्का पहचान लिया तो आपकी किस्मत है, अदरवाइज एज सच कोई हमें नहीं मिल रहा। तो उसके बाद तो यही बचा कि या तो आप इसको डिफरेंशिएशन मेथड से निकालें या एक्स वन एक्स टू मान के करें, ठीक है ना। अब x1 x2 मान के करने में क्या दिक्कत है, अगर सिर्फ एलजेब्रा की इक्वेशन होती है, जैसे मैंने लीनियर अपॉन लीनियर करा था, x1 x2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सब हो गया, सॉल्व हो गया, लेकिन एक तरफ लोग है और एक तरफ एलजेब्रा है, एक तरफ ट्रिगो है एक तरफ एलजेब्रा है, तो ऐसी इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होती। ऐसी इक्वेशन को तो अपन ऑलरेडी ग्राफ से करते हैं, बताया था ना मैंने शुरू में। यस सर। तो इसको करने का बेस्ट मेथड क्या है, डिफरेंशिएशन मेथड ही है। ठीक है, तो हम ये मान लें कि ये डिफरेंशिएशन मेथड से होंगे। अब दूसरी चीज कि सर पर वो तो गलती भी हो जाती है, जैसे टेन एक्स केस में हो गई, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो मैंने कहा था थोड़ा बहुत तो आप आइडिया ले सकते हो यार कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, एल एन एक्स कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस माइनस कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस माइनस कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस, तो इतना तो आइडिया ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस तो आपका काम आसान हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन मेथड आप लगाओगे तो आपको तसल्ली है कि आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें x r प्लस है डोमेन, क्योंकि इसका तो r है और इसका जीरो से इनफिनिटी ओपन, तो इंटरसेक्शन हो गया जीरो से इनफिनिटी ओपन, तो r आएगा डोमेन। इस डोमेन के अंदर आपको डेरिवेटिव निकालना है y डैश, तो 1 माइनस एल एन एक्स क्या आ गया, 1 बाई एक्स आ गया, आपने एलसीएम लिया तो x माइनस 1 अपॉन x। अब वेवी कर्व से इसकी साइन स्कीम देखो, एक रूट तो आएगा जीरो, लेकिन जीरो के तो आगे आगे देखने ना हमें, तो जीरो पे तो मैंने ओपन रखा, और एक रूट आएगा बीच में आपका वन। अब देखो वन के आगे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव। वन और जीरो के बीच ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर क्या है भैया, नेगेटिव है। तो एक बात बताओ ये किसका साइन है, ये एफ डैश एक्स का साइन है, तो जीरो से लेके वन तक तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और वन के बाद फिर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये मैनी वन हुआ या नहीं हुआ। yes, बस अगर ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता या जीरो या जीरो से छोटा होता तो ये मैनी वन 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 होता, क्योंकि कंटिन्यूस में वैसा होता है। कंटिन्यूस ही ना होता फिर तो हम एग्जैक्ट ग्राफ से देखते, वो हम बाद में सीखेंगे धीरे धीरे, है ना। ठीक है जी। yes, ऐसे ही इसका डोमेन तो आ रहा है और इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, वन प्लस कॉस एक्स। अब आप ये सोचो कॉस की क्या औकात होती है, माइनस वन से वन तक, और अगर मैं उसमें वन जोड़ भी दूं तो वो जीरो से टू तक होगा, इसका मतलब ये चीज हमेशा जीरो या जीरो से तो बड़ी है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यस, तो ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा, डेरिवेटिव तो फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो मतलब वन क्या है, वन वन है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस था तो ये मेथड वैलिड है। फंक्शन क्या हुआ, ये वन वन हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक। अब यहां पे मैं आपको इसके बारे में एक स्पेशल बात है जो बताने जा रहा हूं, जो आगे जाके कैलकुलस में कई क्वेश्चंस में काम आती है, मैं आपको इसका ग्राफ बताने जा रहा हूं, इसका ग्राफ कैसे याद रखना है आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसलेनियस है बट तो ध्यान रखें, है ना, अच्छे क्वेश्चन पे काम आएगा, ये नोट कर लो पहले सारा। Yes.
ठीक है। हो गया सर। तो इतने ग्राफ सीखने के बाद इस ग्राफ को भी आप टिपिकल याद रखें कि हाँ भाई ये ग्राफ कैसा होता है, कौन सा वाई बराबर एक्स प्लस साइन एक्स वाला। भाई पहली बात तो इसका डोमेन हमें पता है कितना है, आर है। फिर हमने इसका वाई डैश निकाला तो पता चला वन प्लस कॉस एक्स आया था। तो अब ये चेक करो ये कब कब जीरो होगा, ये जीरो कब कब होगा, जब जब कॉस एक्स कितना होगा माइनस वन होगा। अब आपको याद है ना कॉस एक्स इन चार लाइनों में माइनस वन कहां होता था, यहां होता था भाई एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस वाई, जब क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट बढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको पता है ना कॉस यहां यहां माइनस वन होता है पाई पे थ्री पाई पे फाइव पाई पे। Yes, इसका मतलब एंगल क्या आएगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। Yes. ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता चला कि फंक्शन हमेशा वाई डैश जीरो या जीरो से बड़ा है, इट मींस फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। इन दो तीन बातों का ख्याल रखते हुए आप इस ग्राफ को इजीली समझ सकते हैं यार, ये एक्स एक्सिस है ठीक है, ये वाई एक्सिस है। देखो ये बताओ थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखें, एक्स प्लस साइन की औकात कितनी होती है, माइनस वन से वन होती है। yes. तो एक एक्सट्रीम कंडीशन आई एक्स माइनस वन, एक एक्सट्रीम कंडीशन आई एक्स प्लस वन। तो आप दोनों लाइनें बना लो, वाई बराबर एक्स माइनस वन कौन सी लाइन होगी, वाई बराबर एक्स प्लस वन। ये वाली लाइन होगी y बराबर x प्लस वन वाली, ऐसी ये y बराबर x माइनस वन वाली ये वाली लाइन होगी। हाँ जी Yes, तो आपका जो x प्लस साइन एक्स है वो x माइनस वन और x प्लस वन के बीच ही तो रहेगा, इसके आर पार तो नहीं जा सकता। yes, sir. ये बीच वाली लाइन है आपकी y बराबर x वाली, ठीक है ना। ये तो मैं आपको याद कराने का बता रहा हूं कि ऐसे थोड़े बहुत की पॉइंट ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जीरो पे वैल्यू जीरो है इसकी, जीरो पे वैल्यू जीरो है। फिर एक बात बताओ, आप तो ऐसे सोचो ये साइन का ग्राफ ऐसे दौड़ता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सांप की तरह दौड़ता है, हमने इसमें एक्स ऐड कर दिया तो ये जो सांप इस पे दौड़ रहा था ना, आप ये वाई बराबर एक्स एक्सिस पे दौड़ा दो। बात समझ गए मेरी, हाँ जी बोलो। सर एक बार फिर से बता दो, जो सांप इस पे चलता था वो वाई बराबर एक्स वाली लाइन पे चला दो बस, तो ये इन दोनों लाइनों के बीच ही रहेगा ग्राफ। अब तो याद रखना इसमें क्या दिमाग, बस ये ऐसा होता है लो ग्राफ खत्म बात। ये जो जो लॉजिक्स बता सकता था मैं आपको बता दिया, बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो अभी हमने कैलकुलस पढ़ी कहाँ है शुरू करी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें ध्यान रख रहा हूं स्पेसिफिक बताने के लिए कि x प्लस वन वाली लाइन पे ये पीक आएगी और x माइनस वन वाली लाइन पे ये वाली पीक आएगी और y बराबर x वाली लाइन पे इसकी बीच की लाइन आएगी। आप तो ये मानो कि ये डंडी में सांप चल रहा था, इस डंडी में सांप चल रहा था, मैंने इस डंडी को उठा के ऐसे कर दिया 45 डिग्री पे तो सांप ऐसे चलने लग गया, तो ये वाला ग्राफ बनेगा आपका x प्लस साइन एक्स का। समझ में आया जी? yes, sir. और ऊपर से मैंने क्या बोला, इसका डेरिवेटिव कब कब जीरो है, जब जब ओड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो देखो ये पहली पीक आती है पाई बाई टू पे और ये आती है पाई पे, तो पाई पे ये क्या होगा, पाई पे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहां पे, क्यों, पाई रखने पे साइन तो जीरो हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, वाई बराबर एक्स पाई पे वैल्यू पाई आएगी, तो ये पाई पे वाई बराबर एक्स लाइन पे आएगा। फिर इधर से चलेगा इधर,
फिर ये जीरो पे जीरो है, टू पाई पे भी टू पाई है, लेकिन होरिजोनटल स्लोप कब होगी? देखो यहां पे लाइन ऐसे टेढ़ी जा रही है, ये होरिजोनटल नहीं है, लेकिन यहां पे होरिजोनटल है, फिर यहां पे होरिजोनटल है, पर यहां पे होरिजोनटल नहीं है। तो होरिजोनटल तो तभी होगी ना जब उसका डीवाई बाई डीएक्स जीरो होगा। तो डीवाई बाई डीएक्स जीरो कब कब होगा? ओड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो देखो पाई पे होरिजोनटल है पर टू पाई पे नहीं है, फिर जीरो पे होरिजोनटल नहीं है, फिर माइनस पाई पे होरिजोनटल है। तो थोड़ा बारीकी से ग्राफ देखेंगे ना तो यहां ऐसे होरिजोनटल आएगा यहां, पर यहां और यहां नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? बस ध्यान रखें आप, तो ये मान लो आपको कंडीशन में ग्राफ बताया, ठीक है जी। रब कर दे, ये इधर ही देख लो। अब जैसे ये थर्ड है, बस इसका डेरिवेटिव निकाला वाई डैश वन कोस का माइनस साइन वन प्लस साइन एक्स, क्या ये भी हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर? हाँ जी, ये भी जीरो या जीरो से बड़ा है क्योंकि ये माइनस वन से वन तक की तो होता है, इसमें जीरो के जीरो से टू तक ही तो आएगा। तो डेरिवेटिव जीरो या जीरो से बड़ा और कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मतलब ये क्या है, वन वन है। इसका ग्राफ भी ऐसे ऊपर बढ़ता ही रहेगा, कोई भी होरिजॉन्टल लाइन बनाओ एक ही जगह कट करेगी, वन वन ही होगा। ऐसे फोर्थ वाला वाई डैश निकाला वन प्लस टू कॉस एक्स आ गया। अब आप ध्यान दो कॉस की औकात क्या होती है, माइनस वन से वन तक, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू कॉस की औकात क्या होगी, माइनस टू से टू तक, वन जोड़ दिया उसमें, वन प्लस टू कॉस एक्स क्या हो गया, माइनस वन से लेके थ्री तक हो गया। हाँ जी, यस सर। आप तो बेटा ये मानो y डैश की जो वैल्यू है वो माइनस वन से थ्री तक है, तो बीच में कहीं जीरो भी हो रही होगी। तो जब वैल्यू जीरो से थ्री होगी तब तो पॉजिटिव होगा, जब जीरो से माइनस वन होगी तब नेगेटिव होगा। मतलब y डैश x कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है, कभी इंक्रीजिंग है कभी डिक्रीजिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैनी वन होगा। यस सर, बस ये आपको सिखाना चाह रहे हैं डिफरेंशिएशन मेथड से, ठीक है जी। हाँ जी, यस सर। चलो आज के लिए बहुत है इतना, कुछ पार्ट रह गया इसका बात है ना, मैं सोचा था आज कर देंगे बट अभी रह गया है, तो कोई नहीं, आराम से अपन कल की क्लास में इसको खत्म कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।